जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एमपी बोर्ड के लिए 10वीं 12वीं रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। 25 अप्रैल के बाद घोषित होगा मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं का परिणाम तैयार। आइए जानते हैं पूरी खबर को। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। मंडल के अधिकारियों का कहना है कि परिणाम तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है, अब इसे जारी करने की तारीख घोषित की जाएगी। जी हां दोस्तों, मंडल के अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है, अब इसे जारी करने की तारीख घोषित की जाएगी। संभावना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ बताया गया कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी 25 से 28 अप्रैल के बीच परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। दोनों कक्षाओं का परिणाम इस बार भी एक साथ ही आएगा। तो दोनों कक्षाओं का यानी कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट है वो एक साथ जारी होने वाला है। अधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थी किसी भी अफवाह में नहीं पड़े, परिणाम की जानकारी मंडल की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस वर्ष परीक्षा भी एक माह पहले आयोजित की गई थी और परिणाम भी एक माह पहले जारी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षा 5 से 28 फरवरी तक और 12वीं 6 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित की गई थी। इस बार भी मंडल कार्यालय में 10वीं व 12वीं के परिणामों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया जाएगा। इसमें मेधावी सूची भी जारी की जाएगी। इस साल 10वीं व 12वीं में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। बता दें पिछले साल 25 मई को दोनों कक्षाओं का रिजल्ट जारी किया गया था और पिछले सालों के परिणाम में 10वीं का 63.29% तो 12वीं का रिजल्ट 55.28% रहा था। तो बड़ी खबर है, एमपी बोर्ड के लिए 10वीं 12वीं का रिजल्ट 25 से 28 अप्रैल के बीच कभी भी जारी कर दिया जाएगा। एक दो दिन में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी जिसमें बता दिया जाएगा कि रिजल्ट किस तारीख को जारी होगा और कितने समय पर जारी होगा। तो दोनों कक्षाओं का एक साथ रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। जैसे रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।